वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और आज मैं वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ पार्लर से। अभी दिन के 12 बज रहे हैं तो मैं निकल गई थी 11:30 बजे। तो घर से मुझे आधे रास्ते तक ऑटो में आना पड़ता है, वहाँ से भी मुझे हस्बैंड बाइक से छोड़ते हैं। तो अभी हस्बैंड का काम था आज, तो वो छोड़ नहीं पाए, तो फिर मैं वहाँ से फिर ऑटो चेंज किया मैंने, तो टाइम लग गया। तो अभी मैं पार्लर पर ही हूँ और आज मैं करने वाली हूँ फेशियल। काफ़ी टाइम हो गया मैंने फेशियल ले रखा है, बीच में मैं घर गई थी उससे पहले फेशियल ले रखा था, तो अभी दो महीने को होने को हो गया, तो तब से मैंने फेशियल ले नहीं रखा है। वैसे तो मैं खुद भी घर पे करती हूँ फेशियल, लेकिन अपने हाथ से फेस पे शाइनिंग आ नहीं पाती है क्योंकि स्टेप गलत पड़ते हैं, तो इतना फेस क्लीन हो नहीं पाता है। तो आज मैं यहीं से पार्लर से फेशियल लूँगी क्योंकि शादी की एनिवर्सरी भी आने वाली है। 1 ईयर कम्प्लीट होने वाला है हमारी शादी को कुछ दिनों बाद, कुछ दिन ही बचे हैं बस। जब से मैंने रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग कर रखी है बालों पे, तब से मैंने हेयर कट भी नहीं कर रखा है, तो हेयर काफ़ी लंबे हो गए हैं रिबॉन्डिंग करके। देखिए लेंथ काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन बहुत पतले हो गए हैं और दो मुँह भी हो गए हैं, तो आज मैंने हेयर कट भी करना है। तो मिनी आ गई है स्कूल से। मिनी हेलो कह दो। और ये मीता मैम, ये देखो आज मिनी को सरप्राइज मिल रखा है, मम्मा ने सरप्राइज दे रखा है। मेरे न्यू शूज। कौन से वाले ज्यादा अच्छे हैं? मेरे दोनों अच्छे लग रहे हैं मुझे। दोनों अच्छे हैं। ये मीता दीदी ने पसंद कराई है मम्मा ने। अरे वाह, ये दोनों पसंद मीता दीदी की है। मीता दीदी ने करे मुझे अच्छा लगा। ओके। और ये है मीता मैम, और मीता मैम मेरा फेशियल करने वाली है, और मैं लेने वाली हूँ ये इंस्टा ग्लो का फेशियल। तो देखते हैं मैम, इसका रिजल्ट अच्छा है ना? बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट। मैम कह रही है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो यही वाला फेशियल लेने वाली हूँ, और ये ऑल स्किन टाइप फेशियल है। तो सबसे पहले मैम, पहले ये लगा रहे हो ना? हाँ, सबसे पहले ये लगा रहे हैं डी टेन पैक लगाएंगे, उसके बाद फिर इसके 4 स्टेप है ना, इसके 4 स्टेप हैं। तो देखते हैं फाइनली कैसा ग्लो आता है फेस पे। मेरी स्किन तो ऑयली है, ये 4 स्टेप हैं, और सबसे पहले हम ये D10 ये लगाएंगे पैक, फिर उसके बाद ये 4 स्टेप रहेगा। तो टैनिंग हटाने के लिए लगाएंगे D10। टैनिंग हटाने के लिए पहले D10 लगने वाला है, और मीता मैम करने वाली है मेरा फेशियल। तो मीता मैम हो जाए फिर रेडी। ओके, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा इसमें। आधा घंटा लगेगा। तो फाइनल दिखाती हूँ आपको लुक कैसा ग्लो आता है फेस पे। अब चढ़ू कैसे ऊपर? फाइनली मेरा फेशियल हो गया है और चेहरे पे ग्लो भी आ गया है। ऑल स्किन टाइप फेशियल था, और मेरी स्किन तो पहले से ही ऑयली है, तो मेरे चेहरे पे तो सूट कर गया है। और मीता मैम इधर, मीता मैम बैठिए। मीता मैम ने मेरा फेशियल कर दिया है। मीता मैम कैसा हो रहा है? आप बताओ आपको कैसा? मुझे तो बहुत फ्रेशनेस फील हो रहा है, और मेरी स्किन पर सूट भी कर गया फेशियल, सबसे बड़ी बात। और आप क्या कर रहे हो मीता मैम? कुछ नहीं कर रहे। मीता मैम इंस्टा पे रील्स देख रही हैं, और हम भी अभी बैठे हैं फिलहाल। तो मैंने ये हेयर स्टाइल बना रखी है, देखिए ये यहाँ पर बैठे बैठे ये हेयर स्टाइल बना रखी है मैंने डॉल के ऊपर। और ये देखो मिनी ने डॉल का फेस कैसा कर रखा है। इतना अच्छा मेकअप दे रखा है मिनी ने इसको, पता नहीं क्या कर रखा है। ये आपने साफ किया था ना थिनर से, साफ करने में साफ इसका आईब्रो सब चलेगी, आईब्रो भी चलेगी, लिपस्टिक भी चलेगी। फेस ही ख़राब हो गया मिनी ने, पता नहीं क्या कर दिया इसके फेस के साथ। बस एक बाली इसके डॉल पे, इस पर बाली बच रखे हैं, बस इस पर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं।
ऐसे वाले यहाँ से देंगे ना तो ज्यादा। हाँ लेकिन फिर पीछे कम हो जाएंगे ना, मेरे बाल पतले हो गए, पतले हो गए। हाँ फिर वो पीछे पतले हो गए ना, आगे तो इतने बड़े लगेंगे पीछे। ड्रायर मत लगाना मैम। नहीं नहीं हल्का फ्रंट में। हाँ थोड़ा सा फ्रंट ही दे दो फिर। हेयर कट भी मैंने कर लिया है, ये देखिए लेंथ भी कम कर ली हेयर की। काफ़ी टाइम बाद मैंने हेयर कट नहीं किया था। इससे पहले जब मैं यहाँ सलून पे आई थी एक साल पहले, तो तब मैम ने किया था शादी से पहले ही। तो अभी एक साल हो ही गया है और इधर बैठी है मैम। अभी तक मैंने मैम को नहीं मिला रखा था और मैम ने मेरा हेयर कट कम्प्लीट कर दिया है। मैम हेयर कट का चार्ज करना है। मैम ने मुझे फेशियल भी फ्री कर रखा है और हेयर कट भी फ्री कर रखा है। थैंक यू सो मच मैम। मैम ने मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट पहले ही दे दिया है, फेशियल और हेयर कट। फर्स्ट दो गिफ्ट पहले ही दे दिए मैम ने मुझे। तो अब मैं भी चलती हूँ, मुझे भी लेट होगी, 4 बज गए हैं और मैंने जाना भी काफ़ी दूर है। तो चलते हैं अब मैम। बाय मिता मैम। बाय बाय। तो चलते हैं अब, कल मिलती हूँ आपसे। चल चल चल, इतना गुस्सा आ रहा तुझे? चल फिर चल, आ गई अब मैं। चल 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 चल, आजा आजा आजा। तुझे छोड़ के गई तो इतना गुस्सा आ रहा तुझे? आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ। चल अंदर चला जा। हेले आ गई अब मैं, आ गई। बैठ जा, चल शांत हो जा, चल शांत हो जा फिर, कूल डाउन। आ गई अब मैं। बस बस बस, मैं तो पहुंच गई हूँ घर। और आज मैंने फेशियल भी करा और हेयर कट भी कराया। एक साल हो गया था हेयर कट नहीं करा था मैंने। इससे पहले जब मैं शादी से पहले गई थी उसी पार्लर पे, तो तब मैंने जो भी सर्विस ली थी तो तभी मैंने हेयर कट भी कराया था। तो तब से मैं आज हेयर कट करा रही हूँ, क्योंकि रिबॉन्डिंग करी थी तो मैंने, तो बाल स्ट्रेट है तो मैंने कोई हेयर कट नहीं किया था। तो आज मैंने हेयर कट भी करा और काफ़ी टाइम से फेशियल नहीं करा था, तो फेशियल भी कर लिया है क्योंकि एनिवर्सरी नज़दीक है। तो 2-3 दिन बाद एनिवर्सरी है, तो मैम ने मुझे फ्री सर्विस दी, हेयर कट और फेशियल फ्री करा। कैली के ये देखिए बुरे हाल हो रहे हैं, ये बस आधे घंटे तक मुझे ऐसे ही नोचते रहती है। इसका ये रोज का ड्रामा लगे रहता है, बस आधे घंटे तक इसका ये ड्रामा लगे रहता है, इसे शांत करना पड़ता है। तो पहले हस्बैंड मेरे साथ आ रहे थे, मैंने सोचा कि हस्बैंड के साथ ही घर को जाऊँगी, लेकिन उनकी अचानक से मीटिंग पड़ गई तो मेरे साथ आ नहीं पाए। तो फिर मैं ऑटो में चल आ गई। तो अब इसके बाद मैं भी चेंज करती हूँ और शाम की चाय बनाती हूँ। लेट भी हो गई है क्योंकि और दिन तो मैं 3-3:30 बजे निकल जाती हूँ, आज मुझे 4 ही बज गया था वहाँ पे, तो 4:30 हो गया पहुँचते पहुँचते। तो इसके बाद अब मैं शाम के डिनर की तैयारी करूँगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। कैली कैली की तरफ से आपको बाय बाय। बस कैली खेलने में बिजी है।